दक्षिणायन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा हुआ। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरा के बाद ये जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं इस वक्त की काफी चौंकाने वाली है। जहां बताया जा रहा है कि दरअसल अमित शाह के दौरे के बाद अचानक सूत्र जो बता रहे हैं कि मातोश्री में एकनाथ शिंदे पहुंचे, ये काफी चौंकाने वाला एक तरीके से खबर जो है। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर आप समझिए कि अमित शाह के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद ही अचानक मातोश्री क्यों एकनाथ शिंदे पहुंच गए, और अगर वो पहुंचे हैं तो फिर मातोश्री में उनकी क्या सारी बातचीत हुई है बीएमसी चुनाव से पहले। अगर इस पहुंचने वाली खबर को हम समझने का प्रयास करें तो महाराष्ट्र में इससे जुड़े ही बहुत सारी राजनीतिक जो समीकरण है आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीएमसी चुनाव से पहले वो नेता जो कि कभी शिवसेना से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, वही नेता अचानक से मातोश्री में वापसी करेगा। हालांकि इस बात को लेकर के अब तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। सूत्र बता रहे हैं कि मातोश्री एकनाथ शिंदे की वापसी हुई है। मातोश्री में अगर एकनाथ शिंदे की वापसी हुई है तो अब तक इस पर उद्धव ठाकरे का कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं जारी हुआ है। साथ ही एक बात और निकल करके सामने आ रही है इस मामले में कि दरअसल राज ठाकरे से जो मिलने की तमाम खबरें चल रही थी, अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे, राज ठाकरे से मिलेंगे, राज ठाकरे से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके बाद बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो रही है। क्योंकि अगर राज ठाकरे अमित शाह से मिलने के बाद बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। हालांकि उद्धव ठाकरे अभी भी बीएमसी में अपनी मजबूती को बनाए रखें, लेकिन मजबूती उनकी कब कमजोरी में बदल जाएगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी चुनावों में रणनीति बनाने को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहती है और जैसे ही उनको मौका मिलता है पासा पलटने में उनको समय नहीं लगता, और इस चुनावी रणनीति से उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी शिवसेना को सतर्क रहना पड़ेगा। देखते हैं कि ये जो बड़ी खबर आ रही है सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की मातोश्री में वापसी हुई है, और लगातार कई सारी बातें राजनीति जो गलियारे में हो रही है उससे जुड़ी हुई चर्चाएं भी हुई है। देखते हैं कब तक इस बात को लेकर के एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।